हेलो फ्रेंड्स, आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ अपने टेरेस की ओवरव्यू। तो देख सकते हैं कुछ अभी इस प्रकार का मेरा टेरेस गार्डन है, जिसमें कि काफ़ी अभी काम चल रहे हैं। जैसे कि पुरानी जो भी ग्रो बैग में पुरानी पेड़ पौधे थे, फ्लावर वगैरह थे, उसकी मट्टी मैंने निकाल के इस एक प्लास्टिक के ऊपर रख दी है, जिससे कि इसे खाद मिलाने में ईजी हो और उठाने टाइम ईजी हो ऐसे, क्योंकि छत पर पूरी फैल जाती है मिट्टी, तो काफ़ी गंदी आ जाती है छत। और आप देख सकते हैं कभी अभी इस प्रकार से कुछ कुछ लगी हुई, जो कि हटाने की प्रोसेस चल रही है। अभी बनाना ट्री है जो कि अभी इतनी बड़ी हो चुकी है, देखते हैं इसमें कब फल आता है। मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा जब इसमें फल आएंगे। अभी टमाटर के कोई कुछ कुछ अभी देर है, टमाटर फिर ये खत्म होने वाले, तो मैं इसे भी मिट्टी को चेंज करूंगा, फिर से रिचार्ज करूंगा खाद वगैरह में मिला के। और अभी ये मटर छीमी है, थोड़े से लेट से लगाई थी, इस वजह से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होंगे तो फल लगेंगे। कुछ इस प्रकार मैंने फिर गाजर लगाई थी, तो गाजर जब मैं निकालूंगा तो आपको वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। ये टमाटर का पेड़ है मेरे फ्रेंड से, जो कि काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है, नीचे की ओर भी आ गया। देख सकते हैं इसमें टमाटर अच्छे लग रही है, देसी टमाटर्स हैं जो कि बड़े बड़े होते हैं, और इनकी चटनियाँ काफ़ी अच्छी लगती है घरों में खाने पर, तो आप देख सकते हैं। और इधर मैंने फ्लावर लगा रखी है, जो कि ये मैरीगोल्ड के फ्लावर है, काफ़ी ज़्यादा ये खिलती है फ्लावर फ्रेंड्स, और इसमें काफ़ी मधुमक्खियाँ आती हैं, जिससे कि आपके जो भी और अदर प्लांट्स हैं जिसमें कि पॉलिनेशन का काम हो जाता है इजली, क्योंकि देख सकते हैं आप इतनी मधुमक्खियाँ यहाँ पे आती हैं। और इधर मैंने फ्रूट प्लांट्स लगा रखी हैं, तो देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे एक अनार का फ्रूट प्लांट लगाया है 21x21 साइज़ के ग्रो बैग में, और एक गुआवा का लगाया है फ्रूट प्लांट 21x21 के ग्रो बैग में, और इसमें देख सकते हैं लगभग ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। इसमें तीन अमरूद मैंने रखी थी, पर इनिशियली रखना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, पर फिर भी मैंने अमरूद को रखा देखने के लिए कि किस वैरायटी की, तो ये अच्छी वैरायटी। अब मैं इसमें ये हार्वेस्टिंग करके मैं इस पेड़ को पहले ग्रोथ होने दूँगा, उसके बाद मैं इसमें फ्रूटिंग लूँगा जब भी। तो कुछ इस प्रकार इधर गन्ने मैंने सारे निकाल के खा चुके, बड़े वाले ये नया जनरेशन जो इनका निकला है, काफ़ी ज़्यादा निकलते रहते हैं, ये दूसरा जनरेशन है जो कि बढ़ रहा है, तो फिर इसके साथ भी आपको अपडेट शेयर करूँगा। और कुछ इस प्रकार से इधर फ्लावर के प्लांट थे, तो मैंने वो फ्लावर के प्लांट भी हटा दिए। तो ये तो कुछ फ्रेंड्स वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल से बने लगे, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले ताकि मैं कंटिन्यू रहूँ अपने काम के प्रति। तो ये तो फ्रेंड्स वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।